बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व आला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबीअल्लाह व आला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। हम इस वीडियो में दौरे फितन के एक अहम वाक़े मलामतुल कुबरा, जिसको ईसाई आर्मागेडन कहते हैं, इस जंग के बारे में आपको बताएंगे, जो शाम के मैदान में लड़ी जाएगी। हजरत इमाम मेहदी के दौर की ये सबसे अहम जंग होगी। इसका जिक्र अहदीस में बहुत ज्यादा है। ये जंग उस वक्त होगी जब तमाम आलमी कुव्वतें मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगी। ये जंग दरअसल ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान फैसला कुन होगी। इसमें मुसलमानों के खिलाफ 80 ममालिक के झंडे होंगे और हर झंडे तले 12,000 की फौज होगी, यानी कि टोटल 9,60,000 की फौज होगी। दुनिया में इतनी बड़ी फौज इससे पहले ना कभी इकट्ठी हुई और ना ही होगी। ये जंग शाम में लड़ी जाएगी। मुसलमानों का 3/3 लश्कर में से 1/3 जंग शुरू होने से पहले ही भाग जाएगा। इस भागने वाले लश्कर के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। 1/3 लश्कर शहीद हो जाएगा, बाकी का 1/3 लश्कर फतह याब होगा। इस जंग में हलाकत का ये आलम होगा कि 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि एक परिंदा उड़ता जाएगा मगर उसे जमीन पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी जमीन लाशों से भरी होगी। आखिरकार वो परिंदा थक हार कर लाशों पर ही बैठ जाएगा। इससे इस जंग की होनाकी का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस जंग में ईसाई कुव्वतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और मुसलमान इस जंग में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर ही हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगेबान।